नमस्कार दोस्तों, सिटी लाइव न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दीपक गोस्वामी और आप इस समय देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम आपकी बात हमारे साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हमारा जो पूरा देश है और जो पूरी दुनिया है वो कोविड-19 से जूझ रही है, और वहीं दूसरी तरफ हमारे दुश्मन जो हमारे पड़ोसी है वो इस बात का पूरा फायदा उठाते हुए हमारे साथ जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा दूं, हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल, जो कि रिटायर्ड अधिकारी हैं, मेजर जनरल अनुज माथुर साहब, और श्याम सुंदर शर्मा जी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और साथ ही हमारे साथ शिक्षाविद जुड़े हुए हैं डॉक्टर आलोक भारद्वाज जी। आप तीनों का हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले अनुज माथुर साहब, आप हमारा पड़ोसी देश जो है चाइना है, और पाकिस्तान की तो हम अभी कोई इस तरह की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जो वर्तमान में हमारी स्थिति जो चाइना के साथ है, उस स्थिति को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चाइना जो हरकत कर रहा है उसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड जानने की आवश्यकता है। चाइना कोविड-19 की वजह से अपने आप को पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ा हुआ पाता है, तो उसके वजह से चाइना अपनी जो फॉर फाइटिंग उनकी डॉक्ट्रिन है, जो कि कहती है विनिंग विदाउट फाइटिंग, ये सुनजू उनका एक बड़ा वो हुआ था, उसने कहा था विनिंग विदाउट फाइटिंग, तो विनिंग विदाउट फाइटिंग की जो डॉक्ट्रिन है उसमें कोर्शन, यानी कि दूसरे को धमकाना और डराना, वो उनका मेन हथियार है अपने चीजों को रिजोल्व करने के लिए। तो अब इस चीज से बाहर निकलने के लिए उन्होंने ये कोर्सिव एक्टिविटीज करनी प्रारंभ करी हैं, और मैं आपको ये बता दूं कि जो कोर्शन वो कर रहे हैं वो मात्र भारत के खिलाफ नहीं है, ये कोर्शन साउथ चाइना सी में भी हो रहा है, ये कुछ एक्टिविटीज कोरिया के साथ भी कर रहे हैं, ये इंडो पैसिफिक में अमेरिका के साथ इनकी कोई परेशानी है, तो ये तमाम घटनाएं जो एक साथ उन्होंने करी है, ये उनके वॉर फॉर फाइटिंग डॉक्ट्रिन का, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ऑफ कोर्शन एज ए सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स का एक हिस्सा है। अब हम जी माथुर साहब, मैं यहाँ पर यह भी जानना चाहूंगा कि ये चाइना का जो पूरा फ्रस्ट्रेशन नजर आ रहा है वो क्या भारत के ऊपर निकालना चाह रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि भारत जो है अब 1962 वाला भारत नहीं है, बदल गया है भारत। बिल्कुल, मैं आपको ये पहले कुछ इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, मैं आपको ये बता दूंगा कि ना तो भारत वही है जो 62 में था, और ना भारत की सेना वही है जो 62 में थी। भारत का नेतृत्व और भारत की सेना का नेतृत्व, ट्रेनिंग, प्रिपेयरनेस, इक्विपमेंट, एवरीथिंग कहीं बिल्कुल वो नहीं है। और वो मैं आपको ये भी बता दूं कि चीन एक बहुत शातिर देश है, उसको पता है कि भारतवर्ष वो नहीं है जो 62 में था, और वो जो उसने 62 में कर लिया वो अबोर्ट कर नहीं पाएगा, ये वो जानता है। इसीलिए अब मैं आपको बताता हूं कि तीन चार मुद्दे हैं जिनकी वजह से चीन को लगता है कि भारत एक बहुत बड़ी उर्खीले खतरा हो सकता है। पहली बात तो ये है कि जो कोरोना का एक नैरेटिव, ग्लोबल नैरेटिव बना है, और वो ग्लोबल नैरेटिव चीन के खिलाफ बना है, और उसको लगता है कि भारतवर्ष जो है उस ग्लोबल नैरेटिव में चीन के खिलाफ जो एक बन रही है हवा आबोहवा उसमें शामिल है। वन टू, जो हमारे FDI के नए तरीके हमने बनाए हैं, तो उसमें चीन को यह महसूस हो रहा है कि वो इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, बिजनेस के हिसाब से एक अपना नुकसान वाले स्थिति में आ गया है। तीसरी बात जो सबसे ज्यादा उसको खटकती है वो ये है कि लोगों ने, कई देशों ने चाइना से अपना बिजनेस हटाना, अपनी कंपनियां हटाना प्रारंभ कर दिया है, और चाइना जो कि एक ग्लोबल कंपनी बन चुका था, उसे ये डर है कि ये कंपनियां हमारे यहां से निकल करके भारत में चली जाएंगी। जाएंगी या नहीं जाएंगी, जा रही हैं या नहीं जा रही हैं, ये बात की करेंगे। कई लोगों को अलग मानना हो सकता है कि कभी वियतनाम जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो इशू नहीं है उनका, ये उनकी घबराहट ये है। और चौथी बात उनकी घबराहट ये है कि भारत जो है WHO का सरगना बन गया है, और WHO ने इंक्वायरी चीन के खिलाफ हो रही है, तो उनको लग रहा है कि इस अपनी पोजीशन के मार्फत वो चीन के ऊपर दबाव जैसी स्थिति बना सकता है। ये उस तो ये बातें उनको उनको खटकती हैं, इनकी वजह से वो चाहता है कि वो भारत को कोर्स कर सके। लड़ाई वो नहीं लड़ना चाहता, ये आप मान ले, लड़ाई लड़ने का उसको मालूम है कि वो लड़ने वाली अवस्था में है नहीं। दूसरी चीज मैं बताता हूं आपको कि उनको परेशानी किस चीज से है।
पिछले 70-80 सालों से चीन ने एलएसी के अपनी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इतना कर लिया था जिससे कि एक मिलिट्री असिमेट्री पैदा हो गई थी। जी, कहने का अर्थ यह है कि मिलिटरीली जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ उससे चीन के पक्ष में एक असिमेट्रिकल सिचुएशन हो गई थी। अब जब हमने अपने इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया पिछले 10-15 सालों में या जो भी, और पिछले 6-7 सालों में इसको बहुत जबरदस्त तेजी से हमने आगे बढ़ाना शुरू किया, तो चीन को उससे घबराहट हुई कि उसकी जो वल्नरेबिलिटीज हैं अक्साई चीन में या शक्सकम वैली में, तो उन वल्नरेबिलिटीज को खतरा हो सकता है, और उसको लगा कि जो असिमेट्री उसने तैयार कर ली थी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के हिसाब से, वो असिमेट्री धीरे धीरे कहीं ना कहीं समाप्त होती जा रही है। बिल्कुल, उसको वो नहीं अलाउ करना देना चाहता। बिल्कुल माथुर साहब, मैं आप पर इसी चर्चा पर दोबारा आऊंगा क्योंकि आप लद्दाख में भी रहे हैं, आपने लद्दाख में चप्पे चप्पे पे पूरी नजर बनाए रखी थी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट श्याम सुंदर शर्मा जी मौजूद हैं। श्याम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वर्तमान भारत, क्योंकि आप पिछले 30-35 सालों से लगातार पत्रकारिता कर रहे हैं, आपका एक बहुत बड़ा अनुभव है, आपने भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भी कई कवरेज जो है वो की है खुद ने, तो आपका एक अच्छा खासा अनुभव है। वर्तमान परिस्थिति में जो भारत और चाइना के बीच जिस तरह की तकरार चल रही है उसको देखते हुए आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है? देखिए दीपक जी, मैं निश्चित रूप से अनुज माथुर साहब की बातों का समर्थन करूंगा कि मौजूदा स्थिति में जिस प्रकार से, देखिए 45 साल बाद ये घटना वापस से संघर्ष की स्थिति बनी, क्योंकि जब 1975 में हुआ था एक बार हिंदुस्तान और चीन की सेना के बीच में, तो 4 सैनिक हमारे शहीद हुए थे, लेकिन जो कुछ घटना हुई है सोमवार को उससे लगता है कि हमारी सेना उस तैयारी में थी नहीं, न कर वो देखिएगा। जो मैं आज देख रहा था बहुत सारी चीजें, क्योंकि मैंने भी सिक्किम जब गया था तो नथुला गया था, वहां मैंने देखा था किस तरह की स्थितियां हैं, मैं लद्दाख तो नहीं गया, लेकिन ये बात सही है कि जहां लद्दाख की स्थिति में जो हम जो सैन्य सामान और जिस तरह का स्ट्रक्चर चीन ने तैयार कर लिया, हम भारत तैयार कर रहा है, ये चीन को पसंद नहीं आ रहा। हमने जो सड़क तैयार की है, हम वहां बहुत तरीके से पहुंच सकते हैं टाइमली सेना के साथ और सारी चीजों को लेकर के, ये चीन को पसंद नहीं आ रहा। और देखिए चीनी सेना ने जिस प्रकार का आक्रमण किया, एक तो पथराव बहुत व्यापक पैमाने पर हमारी सेना पे किया, उसके अलावा देखिएगा कि हमारे वहाँ देखिए वेपन का उपयोग नहीं हो सकता है, लेकिन वहाँ लाठियां जो उन्होंने ली है उसपे कील लगा करके जो लाठियां अलग तरह की बनाई है जिसका सेना के ऊपर प्रहार हुआ है, हमारे 20 जिसमें की कर्नल लेवल का अधिकारी भी शहीद हुआ है, ये हमारी बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आज हमको देखना पड़ेगा, देखिएगा कि मैं देख रहा था कि जो हमारा 1993 में जो समझौता हुआ था, अब हमको चीन की नीति में परिवर्तन करना पड़ेगा निश्चित रूप से, अब हमको पुरानी नीतियों के आधार पर हमको अब नहीं रहना पड़ेगा। अब शहीद तो सभी शहीद हैं। एक सुनिएगा, आप देखिएगा कि मैं आप देखिएगा एक मैं देख रहा था चिपिंग जो वहां के राष्ट्रपति है, कोरोना वाली स्थिति में जो सही बात कहा माथुर साहब ने कि देखिएगा 10 करोड़ लोग वहां पर बेरोजगार हो गए हैं, ये बड़ी चिंता का विषय सबसे बड़ा है। इसके बाद बेरोजगारी की जो परसेंटेज है 15% बेरोजगारी की परसेंटेज बढ़ गई है वहां पर, और जो वहां की देखिएगा चीनी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके 3,000 करीब नेता है, उसके पास 35.53 लाख करोड़ रुपया है, और एक नेता का अगर हिसाब से निकाला जाए तो 1220 करोड़ रुपया उनके पास है, लेकिन स्थिति यह है कि वहां आंतरिक कलह हो गया है, और जिस प्रकार से सोवियत रूस टुकड़ों में बट गया था, अगर ये स्थिति बनी रही कोविड के माध्यम से तो टुकड़ों में बटने में कोई बड़ी बात नहीं है कि चीन भी बहुत टुकड़ों में बट जाएगा, तो ये चिंता का विषय है राष्ट्रपति के सामने। चाइना की मीडिया में ये भी खबर आ रही है कि आम जनता जो है वो भी वहां की सरकार के खिलाफ सड़कों में उतर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है चाइना। देखिए दीपक जी, जब आप 15% बेरोजगारी हो जाएगी और 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो सड़कों पे कौन आएंगे? वही लोग बेरोजगार हो जाएंगे जिनके पास आज खाने के लिए अन्न नहीं होगा, पहनने के लिए कुछ होगा, उनके पास साधन नहीं होंगे, तो सड़कों पे आकर के जो कुछ होगा वो घटना आप देख लीजिएगा। भारत के पास तो आज कम से कम अनाज और वो भंडार तो है, हम उस स्थिति में नहीं आएंगे, लेकिन चीन के पास जो स्थितियां और विदेशी कंपनियां का मुंह जिस प्रकार से मोड़ा जा रहा है और जो जा रहे हैं, तो चीन को चिंता का विषय है कि भारत कुछ नहीं कर दे। देखिए अमेरिका ने 3 एयरक्राफ्ट वहां पे रखे हुए हैं, उन्होंने
और वो उनको लेकर के वैश्वीकरण की स्थिति में चीन पिछड़ता जा रहा है, इसलिए वो चाहता है कि ध्यान भटकाए और राष्ट्रपति अपना खौफ जिस प्रकार से दिखाते वो बरकरार रहे, क्योंकि उनका प्रभाव पहले जैसा नहीं है चीन में। तो ये सारी स्थिति को देखते हुए वो इस तरह की स्थितियां पैदा कर रहा है। लेकिन हमको भारत को बिल्कुल निश्चित रूप से देखेगा कि हमने 5 मई को गलवान घाटी में 250 चीनी सेना के बीच हमारे झड़प हुई, 9 मई को सिक्किम में हुई, और 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल के हिसाब से हमारे आपस में बातचीत हुई और हम कह रहे थे कि शांति की व्यवस्था है। लेकिन फिर ये घटना जो घटी है 15 जून को, बातचीत का दौर ही चल रहा था शांति की, उन्होंने इस तरह की नापाक हरकत की, इतनी घटिया हरकत की। यहाँ पर मैं वापस श्याम जी आपके पास भी आऊंगा, माधव साहब आपके पास भी आऊंगा, आलोक जी हमसे जुड़ चुके हैं। आलोक जी आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल दीपक जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल। आलोक जी आपसे मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कृष्ण ने कहा कि अर्जुन से ना प्यार जता दुश्मन से, युद्ध कर युद्ध कर युद्ध कर। आप युवा हैं, आप लगातार युवाओं के संगठन से भी जुड़े हुए हैं, तो हमारे देश का युवा है वो आज अपने को किस परिस्थिति में देख रहा है, वो क्या चाहता है कि हमको चाइना के साथ किस तरह का व्यवहार रखना चाहिए? देखिए दीपक जी, आपने बिल्कुल वो बात आपने पूछ ली जो मैं कहना ही चाह रहा था कि आज स्थिति हो गई कि जो नीति निर्धारक है उनको सबसे पहले सबक लेना चाहिए। सेना का फौजी वो भी अच्छे, चाहे वो सेना पे लड़ रहा है, उस बॉर्डर पे लड़ रहा है, उस माँ से पूछिए जिसका बेटा शहीद हो रहा है, चाहे वो कर्नल रैंक का हो चाहे सैनिक रैंक का हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नीति निर्धारकों को सोचना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा कि आज जो परिस्थिति हो गई है ना, ये करते हैं आप देखिए हम हर चीज में क्यों निर्भरता दिखा रहे हैं। जब हम आत्मनिर्भरता की बात अगर कर रहे हैं इस देश के अंदर, तो उसको सार्थकता भी दी जाए, वो सबसे पहले आवश्यक है। कि आप जो है पड़ोसी क्यों आके दिखाता है आपको? पड़ोसी को पता है कि आज नहीं तो कल आएगा तो मेरे पास ही लौट के। घुटनों के बल जो अगर आप खड़े होकर मुंह से तो हम बोलते रहेंगे, घुटनों के बल चलते रहेंगे तब काम नहीं चलेगा। आज स्थिति ये हो गई दीपक जी, मैं तो मेरे मन में आ रहा है ये पीड़ा है, और उसको यही कह पाऊंगा मैं आम पूरे युवाओं की तरफ से, पूरे देश के जिम्मेदार नागरिक की तरफ से, कि कब तक बोझ संभाला जाए, कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए। दूध छीनकर अपने बच्चों के मुख से, दूध छीन के अपने बच्चों के मुख से इन नागों को अब तक क्यों पाला जाए, क्यों पाल रहे हैं इन नागों को, इस बिगड़ेल पड़ोसी को। चाइना की बात आप कर रहे हैं, हम 1962 से देखते आ रहे हैं, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी हम और आप ही लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्यों नहीं समझ में रहा। माथुर साहब आप तो बाड़मे में वहां रह के आए हैं, तो मैं फिर कहूंगा कि इस बिगड़ोल पड़ोसी को अब तो शीशे में डाला जाए। हम सबके दिल पर है ताला, चाहे वो नीति निर्धारक हो चाहे कोई भी हो, बनाते हैं कमरों में बैठ के बनाते हैं, खुद बनाते हैं आगे ला देते हैं, लेकिन अमल कब होगा? आत्मनिर्भरता की बात हम कर रहे हैं, उसको उतारा जाए। हर व्यक्ति को निर्भर बनाने के लिए कहने से मात्र, भाषणबाजी से कुछ नहीं होगा। देश अब उस परिस्थिति में आ चुका है कि जो जगाने वाली बातें, जागृत करने की बातें, खुद जागिए, निजी स्वार्थों को त्यागिए, सबसे पहले उसको लॉकडाउन कीजिए, इस बिगड़ोल पड़ोसी को फिर शीशे में डाला जाए। हम सबके दिल पर है ताला, राम करे ये ताला जाए, और विश्व गुरु का दीप जले, अंटार्कटिका तक भारत का उजाला जाए। ये देश के हर नागरिक की आवाज है, ये है कि कोई निकाल नहीं पाता उस आवाज को। आज आप स्थिति देखिए, हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट भी चीनी सेनाओं के, चीनी कंपनियों के पास जाते हैं। मैं दावा नहीं कर रहा, लेकिन मैं भी आप लोगों से समाचार पत्रों के माध्यम से ही सुनने वाला हूँ, आम नागरिक हूँ, तो इतनी सब चीजें अगर हो पाती है तो फिर क्या होगा? आप देखिए ना इन सब चीजों को, कि देख जनता की तरफ केवल कहने मात्र से कुछ नहीं होगा। आप जन जागरण को अगर लाना है, जनता के दिल में उतारना है, आप देखिए छोटा सा नेपाल हमें आंखें दिखा रहा है, हम जवाब दे लेते हैं। हमारे सेनाध्यक्ष नरावणे जी दौरा कर आते हैं, अभी आते हैं, सारी चर्चाएं होती हैं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी अपनी बातें बताते हैं, बातें मैं और आप भी अपनी बातें बता रहे हैं। बिल्कुल, देश के हर जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य हो गया है कि हम बातों से ऊपर उठकर आए, और जो हमारे देश की सनातनी परंपरा थी कि बात नहीं करेंगे कुछ करके दिखाएंगे। देखिए आप अभी जाके माथुर साहब सहमत होंगे कि हमारी जो चाणक्य नीति है उसी से प्रशिक्षण लेके, उसी से शिक्षा लेकर चीन के एक जनरल ने ईसा से 500 साल पूर्व किताब लिख दी थी, द आर्ट ऑफ वार सुन ज़ू ने, और उसमें उन्होंने लिखा कि क्रिपिंग हमारी वो है मूल लक्ष्य, रैंक कर चुपचाप बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, दुश्मन को लड़ते भी नहीं है और फिर भी दबाते हैं। तब ऐसी नीति पर चलकर वो लोग बन रहे हैं। आज हमारी क्या स्थिति हो गई है कि हम विश्वगुरु कहलाते थे, और आज का ही दिन है दीपक जी, आज एक और चीज चल रही है, आप और हम यहाँ डिबेट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि यूएनओ में अस्थाई सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया भी आज ही के दिन है, और ये कह रहे हैं कि हम अस्थाई, अरे भाई हम जब देश है जो विश्वगुरु थे, आज भी हम 8वीं बार अस्थाई बनने के लिए भी खुश हो रहे हैं। इस बात के लिए इन सबको सोचना चाहिए, निजी स्वार्थों से ऊपर उठे, राजनीति धर्म और इन सबको त्यागिए,
निश्चित तौर पर हमको मानवता को जगाइए। बिल्कुल आलोक जी, इन सबसे हमको ऊपर उठना पड़ेगा और जहर उगलने वाले सांपों को अब कुचलने का वक्त जो है वो आ गया है। मैं यहाँ पर रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर साहब आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप लद्दाख में लगातार रहे हैं, आप वहां के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, आप चाइना की जो पॉलिटिक्स है उससे भी वाकिफ हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर झुका सकते हैं लेकिन सर झुका मिटा सकते नहीं। तो माथुर साहब आप बताइए कि हमको देखिए, ये जो आपने कहा सर कटा सकते हैं झुका सकते नहीं, इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण उन 20 शूरवीरों ने कल दे दिया, इसमें कोई संदेह ना हो। नमन उनकी शहादत। और एक बात और मैं बता दूं, जिस मुद्दे पे बाद में आऊंगा, एक कमांडिंग ऑफिसर जो होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि एक पलटन के लिए कमांडिंग ऑफिसर का दर्जा भगवान से ऊपर होता है, और एक कमांडिंग ऑफिसर का शहीद हो जाना इस प्रकार से ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं कि उस बिहार पलटन के जवान जब तक इसका पूरा बदला नहीं निकाल लेंगे सोएंगे नहीं ठीक से, ये याद रख लिया। तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को, कमांडिंग ऑफिसर एक बहुत बड़ी चीज होती है, कर्नल की बात नहीं है, कर्नल हजारों सैकड़ों हैं, कमांडिंग ऑफिसर का दर्जा भगवान के बराबर है, तो वो आप ध्यान रखें। अब बात मुद्दे की मैं बता रहा हूं कि क्या हो रहा था, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो मिलिट्री एसिमेट्री हो गई थी, एक हमने जब आर्टिकल 370 को समाप्त किया और इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, अब स्ट्रेटेजिक जो इंपॉर्टेंस है काराकोरम की और इस जो गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका है उसकी, अब हमने उसको कहना शुरू कर दिया कि वो तो हमारा है, तो चाइना को लगा कि अगला स्टेप ये होगा कि हम अक्साई चिन को भी हमारा कहेंगे उसको। और कहा हमने, आप अगर ध्यान से सुने गृहमंत्री की जो भाषण था उस दिन वहां पर, उसमें उन्होंने कहा है। तो जब उनको ऐसा महसूस होना शुरू हो गया तो उन्होंने एक कोर्शन का ऐसा तरीका निकालने का प्रयास किया जिससे कि वो हम पर दबाव डाल सकें। जी, और दबाव किस बात का था कि वो कह रहे थे कि हमको युद्ध से डराना चाहते हैं। एक और बात मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि जो डोकलाम में हुआ है 2017 में, वो भी उनके चीन जो है एक बहुत ही ज्यादा खुंद की, मैं बोल सकता हूँ, एक उतना अच्छा शब्द नहीं लेकिन बहुत ज्यादा वेंजेंस रखने वाला देश है, वो भूलता नहीं है, और जो भी जरा भी होता है तो वो बात भी इन लोगों के चीन के सेना में लगातार चल रही होगी सैनिकों के दिमाग में कि हमको उनको डोकलाम में मुंह की खानी पड़ी थी और वहां से निकल के आना पड़ा था। बिल्कुल। एक बात मैं आपको चीन की सेना के बारे में बताना चाहता हूँ, चीन की जो सेना है वो चीन की राष्ट्रीय सेना नहीं है, चीन की सेना अनलाइक अदर आर्मीज वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का एक आर्म्ड विंग है। चीन की सेना देश के लिए काम नहीं करती, चीन की सेना कम्युनिस्ट पार्टी के हितों के लिए काम करती है और कम्युनिस्ट पार्टी का जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो जो उनकी पिछले कुछ दिनों में जो जो एक्टिविटीज हो रही हैं, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो हांगकांग हो, चाहे वो इंडो पैसिफिक हो, चाहे LAC हो, तो ये अपनी पार्टी का एजेंडा आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। पार्टी जैसा कि आप अभी उन्होंने बताया एक परेशानी में है, परेशानी ये है कि डोमेस्टिकली उनको बहुत इवॉल्व हो रहा है वहां पे धीरे धीरे, जो 1990 में हुआ था जी, अंदर से गुबार निकल रहा है लोगों का डोमेस्टिक लेवल के ऊपर। दूसरा अंतरराष्ट्रीय लेवल पे वो बिल्कुल अलग थलग, दे हैव बीन एनमेस्ट इनटू अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, हर जगह उनको मुंह की खानी पड़ रही है पूरे विश्व, और उनको अब लगता है कि घबराहट हो गई। अब उनको इसीलिए उन्होंने ये करने की कोशिश की कि कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसको शक है कि वो अभी निकल दिया जाएगा या उसकी शक्ति चली जाएगी, तो वो अपनी सेना का इस प्रकार से प्रयोग करके लोगों का ध्यान वहां से डाइवर्ट करना चाहता है और हमारे साथ इस प्रकार की कार्रवाई करना चाहता है। तीसरी बात मैं बताऊंगा, ये जो बात हुई है, जो एक्चुअल एक्टिविटी कल की हुई है, ये 6 तारीख को जो कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी उसमें जो डिसीजन हुआ था कि हम लोग डिसएंगेज करेंगे और कुछ कुछ पीछे जाएंगे, तो ये जब डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया चल रही थी उस समय चीन के सैनिकों ने आकर के एम्बुश लगा करके और इसको वाकई बिटर पीठ में छुरा भोंकने वाली हरकत करी है। बहुत
लो फॉर्म की हरकत है, ये कोई सेना नहीं करती है। सैनिक जो है वो इस प्रकार के घटिया हरकतों में शामिल नहीं होता, ये आप मान ले। लेकिन माथुर साहब, इसका जवाब हमारे देश को उसी तरह से देना पड़ेगा ताकि अगले कई सालों तक चाइना इसे याद रखे। जवाब दिया जाएगा, ये आप निश्चिंत रहें। मैं आपको जवाब कब दिया जाएगा? जवाब आज चाहिए, जनता तो मांग रही है जवाब तुरंत सरकार से। देखिए देखिए, ऐसा है, आपको मैं कुछ साल पहले 1967 में 62 में जो हुआ था उसको आप छोड़ दें, 1967 में फिर उन्होंने प्रयास किया और नथुला और चोला नाम के दो पास हैं दर्रे सिक्किम में, वहां पर 12-13 सितंबर और 1 अक्टूबर को उन्होंने इसी प्रकार की हरकत करने की कोशिश की और उसको वहां के लोकल कमांडर ने आगे किसी से पूछे बगैर, वहां के लोकल जीओसी ने जो कि गैंगटॉक में थे, उन्होंने उनपे काउंटर अटैक किया और चाइना को खदेड़ा चोला और नथुला दोनों जगह से। और ये पहली बार था जबकि मिथ ऑफ चाइनीज इनविंसिबिलिटी वाज ब्रोकन इन अ ट्रायल बाय फायर, वहां पर उनको हमने उस भगाया था। और जैसा जब हम 67 में कर सकते हैं तो 2020 में निश्चित रूप से कर सकते हैं, होगा। माथुर साहब, ये नीति निर्धारकों की समझ में क्यों नहीं आ रहा है? दीपक जी, मैं एक चीज कहूंगा जनता की तरफ से कि ये सरकारों की समझ में क्यों नहीं आ रहा है। आज आप देखिए, कोरोना का कहर पूरे विश्व में मंडरा रहा है जी। जिम्मेदार कौन है सबको पता है कहां से आया है। पूरे विश्व को जो आज थर्रा रहा है उसके लिए हमारी तरफ से जवाब देने में देरी का रुख क्यों अपनाया जा रहा है? जनता का ये खुला सवाल है, बिल्कुल दे जवाब सरकार। ये भारद्वाज जी, मैं ये सवाल श्याम जी से करना चाहूंगा क्योंकि श्याम जी लगातार केंद्र सरकार से भी जुड़े रहते हैं, उनके संपर्क में भी रहते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। श्याम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो भारत की जो पॉलिटिक्स है या भारत की जो स्ट्रेटेजी है पूरी विदेश नीति को लेकर, वो किस तरह से है? क्या उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम इंतजार इस बात का करते हैं कि सामने वाला पहले हमारे ऊपर प्रहार करे, जब हमारे 10-20 लोग मर जाएं उसके बाद हम उनके ऊपर आक्रमण करें। क्या ये रणनीति सही है? देखिए दीपक जी, क्योंकि आपने देखा होगा कि लगातार हम बातचीत कर रहे थे चीन से कि स्थिति खराब नहीं हो, लेकिन चीन ने आगे होकर के जो समझौता हुआ था, जिस प्रकार से हुआ था, उसका उल्लंघन हुआ। इसे ही बदर साहब सही कह रहे थे कि हमारी सेना ने आगे होकर, हमारी सेना तो चेक करने गई थी कि जो हमारे बीच में समझौता हुआ है, बातचीत हुई है, उसकी अनुपालना हो रही नहीं। वो हमारी चेकिंग पार्टी थी, उस चेकिंग पार्टी में होते कम लोग हैं। जब चेकिंग पार्टी के साथ उन्होंने जिस तरह का चीनी सेना ने वो की प्रहार किया और वो जब नहीं आए टाइम पे, तो हमारे बाकी कमांडर को सोचना पड़ा कि हुआ क्या, अगर हमारी चेकिंग पार्टी जो गई थी आई क्यों नहीं लौट करके। तो हमारे बाद में हुआ है, देखिए बहुत बड़ा घमासान की स्थिति हुई है, क्योंकि जमीनी स्तर पर बिना हथियारों के जब युद्ध होता है तो जो पीड़ा जिस तरह जिस प्रकार से होती है, जो सैनिक देखिए गोली से मरने के बाद तो सैनिक तत्काल शहीद हो जाता है, लेकिन जिस प्रकार से आप देखिएगा लाठियों में कीले लगा करके प्रहार करना, पत्थरबाजी करना, और जो घटना वहां जो जो सैनिक शहीद हुए, बहुत दुख, क्योंकि वही उन्होंने पीड़ा झेली होगी। मैं उनके परिवार को, उनको सबको संवेदना प्रकट करना चाहता हूँ। लेकिन देखिए कि आप देखिएगा, हमारे अमेरिका ने G7 में हमको बुलाया, उनको पूछा तक नहीं, तो वो पीड़ा अभी चीन के सामने खड़ी हुई है। प्रशांत देखिए, पश्चिमी प्रशांत महासागर में अमेरिका ने 3 एयरक्राफ्ट खड़े कर रखे हैं, वो भी उनके लिए दिक्कत का विषय है। अब वो चाहते हैं कि अरुणाचल को वो कब्जे में करना चाहते हैं, और हम एक्साइज जीन जो है हमारा उनका कब्जे में हम लेना चाहते हैं। तो उसके देखिए, चाइना के मन में है पीड़ा का विषय है कि हम भारत को जिस प्रकार से तोड़ना चाहते थे नहीं तोड़ पा रहे हैं। हमारी सेना सतर्क है, जिस प्रकार से हमने सुधार किया है, पहले लेह लद्दाख में वो स्थिति नहीं थी, पहले हम कमजोर स्थिति में, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सरकार का पार्ट था और वो संभालते थे। आज हमने उसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित करके हमारी स्थिति को मजबूत किया है, और आने वाले समय में हम चीन, ये सारी चीजें चाइना के सहन नहीं हो रही, उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही, क्योंकि चाइना जिस स्थिति में कोरोना के माध्यम से फंस गया है और जो उनकी इकोनॉमी खराब हो गई है, आने वाले समय में बहुत पीड़ा का विषय चाइना के सामने। वापस से देखिए, कोरोना की स्थिति वापस से पैदा हो गई है, 106 वहां पे आ गए, उन्होंने वापस से स्कूल और बाकी लॉकडाउन की स्थिति वापस शुरू करने की स्थिति हो रही है। तो चीन अपने आप की आंतरिक कलह से परेशान है। जिपिंग अपनी जो शासन व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते थे वो नहीं हो पा रही है, इसलिए 10 करोड़ बेरोजगार हो जाना, उसके बाद 15% बेरोजगारी बढ़ जाना, तो और इकोनॉमी में जो
बिल्कुल पहले जी, मैं वो नहीं इस सारे मुद्दे पर आप पर आऊंगा, लेकिन मेरा एक सबसे बड़ा सवाल और है, क्योंकि अभी तक हम जो चर्चा कर रहे थे वो कर रहे थे बॉर्डर एरिया की कि किस तरह हमारी रणनीति होनी चाहिए, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है जो मैं माथुर साहब आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि जो हमारी बाहरी बॉर्डर जो है, सीमाएं जो है, वो तो निश्चित तौर से मजबूत होनी है और होके रहेंगी और हैं भी, और हम किसी का भी बड़े से बड़े देश का भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज की उसमें पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन हमारे देश के अंदर की जो राजनीति है उसको भी हमको किस तरह से मेंटेन करना है, क्योंकि चाहे हम कांग्रेस की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे सपा की बात करें या किसी भी दल की बात करें, ऐसी परिस्थिति में हम सबको एक होना चाहिए या फिर हमको अलग अलग तरह की बयानबाजी करनी चाहिए? मातुल साहब, आप क्या कहना चाहिए? मैं आपको बिल्कुल ये बता दूं कि किसी भी किस्म की गलत बयानी, अलग अलग किस्म के बयानबाजी, ये देश के हित में नहीं है। ये समय ऐसा होता है जब आपको सबको इकट्ठा होकर रहना चाहिए। हमें लेकिन मैं आपको बताता हूं, जो चाइनीज वॉर फाइटिंग डॉक्ट्रिन है उसमें एक जगह ये भी मेंशन है कि आप अपना साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मीडिया वॉरफेयर, ये सब करो, और ये उसके जो एजेंट्स हैं उसमें जो दुश्मन देश में उनके उनके जैसी विचारधारा वाले करने वाले लोग हैं उनका भी इस्तेमाल करो। तो ये उनकी डॉक्ट्रिन के अंदर शामिल है। और यदि हमें इस समय ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अब इस प्रकार की गलत बयानबाजी कर रहे हैं, तो वो भी उसका भी वो चाइना की डॉक्ट्रिन का, उसकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। यह बिल्कुल, तो हमें बचना चाहिए। मैं पूरी तरह आपसे सहमत हूं कि हमें किसी भी किस्म की, कोई भी पार्टी हो, कोई भी लीडरशिप हो, आपको देश के प्रधानमंत्री से या देश की राजनीति से अभी परेशानी है तो परेशानी को सॉर्ट आउट करने का आपका समय अलग आएगा, लेकिन जब देश के ऊपर समस्या आई हुई है वो समय आपकी पॉलिटिकल चीजों को सॉर्ट आउट करने का नहीं होता है। ये जगह, ये टाइम ऐसा नहीं है कि जब आप अपना पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए जो भी मन में आए बोल सकते, बोलना शुरू कर दें। अभी हमको श्याम जी आपसे एक सवाल में करना चाहूं जी, माथुर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पहले मैं यही कह रहा था कि एक सुर में हमें अपने भारत के नेशनल इंटरेस्ट के बारे में बात करनी चाहिए, जिसमें किसी को कोई संदेह ना हो। नेशन फर्स्ट, बाकी सब बातें, नेशन फर्स्ट होना चाहिए। यहाँ पर आलोक जी मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले मैं श्याम जी से जानना चाहूंगा कि लगातार हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो देश की जो आंतरिक या बाहरी जो रणनीति होती है उसका ट्विटर पे जवाब मांगते हैं कि आपने चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ क्या किया, वो ट्विटर पे सवाल लग, क्या देश की जो सुरक्षा है उसके बारे में ट्विटर पर सवाल पूछना उचित होता है या नहीं होता है? देखिए दीपक जी, निश्चित रूप से इस मामले में प्रधानमंत्री को आगे बढ़कर के प्रतिपक्ष के लोगों को मिला करके अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और कहना चाहिए कि ये घटना घटी है, अब हमको करना चाहिए, क्योंकि एकता के सूत्र में बना रहना आवश्यक है इस देश के लिए। हम आपस में चाहे भले कुछ भी कहें, राजनीतिक पार्टी आपस में छीटाबाजी करें, कुछ भी करें, लेकिन देश का जब सवाल आता है, जब पाकिस्तान का सवाल आया था तो सब पार्टी एक होकर खड़ी हो गई थी। तो आज भी हमको चीन के खिलाफ अगर हमको जंग जीतनी है और हमारा माहौल जिस प्रकार का बदलाव करने की जरूरत है, तो हमें ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए प्रधानमंत्री को और वहां सारी स्थिति स्पष्ट करके के सबसे सहयोग मांगना चाहिए। अगर फिर भी कोई पार्टी अगर विरोध करती है तो वो कभी विरोध तो करेगी नहीं, क्योंकि इस मामले में हमारा देश अभी से पहले भी देखा होगा और अब भी देखा होगा। हम बाद में चाहे भले कुछ भी कह देते हैं, लेकिन देश ने जो निर्णय कर लिया हम सब उसके साथ खड़े होते हैं। ये पार्टी हमारी राजनीतिक पार्टी चाहे भले कैसी भी हो, लेकिन दो पार्टियां मेन है जिसको हमको आपस में तय करके ये करना चाहिए कि देश के ऊपर कोई भी गलत चीजें करेगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। देखिए चीन के साथ हमारा हम बातचीत करना जारी रखना चाहिए, बातचीत में अभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अभी उस तरह का युद्ध नहीं हुआ है जिस प्रकार का हम चाह रहे हैं कि हम वो कर दें। इसलिए हमको बहुत सोच समझ करके देखिए विदेश नीति के अंतर्गत हम पिछड़ रहे हैं। जैसे नेपाल हमारा छोटा भाई होता था, वही हमारी आंखें दिखाने लगा क्योंकि हमने पाला पोसा उसको बढ़ाया। देखिए क्योंकि वो चीन जब सहयोग कर रहा है तो ऐसी स्थिति में जी थोड़ा सा मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। नेपाल आंखें दिखा नहीं रहा है, नेपाल को आंखें दिखाने के लिए बाध्य किया जा रहा है। नेपाल जानता है कि उसके हित में क्या है। ये मैं आपको बता सकता हूँ कि नेपाल अगर चाइना में शामिल भी हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा चाइना के ऊपर भी, तो उनको हर प्रकार से उसका उसका नुकसान खामियाजा उठाना पड़ेगा। लैंडलॉक्ड कंट्री है, बफर स्टेट है,
कैसे वो भारत से पूरी तरह से यानी कि वो चाइना के दबाव में सिर्फ कुछ भी कर रहा है, वो चाइना के दबाव में सिर्फ कि मैं बताता हूं कि चीन को मालूम है कि वो अकेला भारत को मिलिटरीली नहीं हरा सकता आज की तारीख में, क्योंकि जो सेना है वो वही नहीं है, जो लीडरशिप है वो वही नहीं है, इसलिए उसको पता है। इसी अतः जो मैं शुरू में भी कह रहा था कि ये वो चाह रहा है कि अड़ोस पड़ोस पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान सबको किसी तरीके से अपने साइड में ला करके, उसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बोलता है वो, उसकी डॉक्ट्रिन है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, भारत के चारों तरफ आप उनको इन चीजों को लगा दो, चाहे वो श्रीलंका भी हो क्यों ना हो, तो मालदीव तो हर जगह वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इस चीज को दिमाग में रखते हुए, क्योंकि वो जानता है वो अकेला भारतवर्ष का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये निश्चित रूप से चाइना हो या पाकिस्तान हो या कोई भी देश हो, वो हमारे देश का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। आलोक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे मेरा एक सवाल ये है कि जो हमारे देश के बुद्धिजीवी है, बहुत से बुद्धिजीवी है जो आज मौन भी है, वरना तो छोटा सा भी कोई काम होता है तो वो बड़े बड़े सोशल मीडिया पे या सड़कों पर आकर या मोमबत्ती लेकर सड़कों पर आ जाते हैं, लेकिन जब देश की इस तरह की स्थिति होती है, विशेष तौर से अगर हम चाइना की बात करें, तो वो अपने मुंह पे पट्टी बांध लेते हैं। आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? दीपक जी, मैं तो यही कहूंगा कि मैंने अभी श्याम जी की भी एक बात सुनी ना, मैं उस पर बीच में भी कहना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा जैसा श्याम जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को मीटिंग बुलानी चाहिए, अब समस्या यही हो गई, मैं पूछ रहा हूँ क्यों बुलानी चाहिए। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि कलयुगी राजनीति परिवेश, आप मेरे शब्दों पर ध्यान दें दीपक जी, कलयुगी राजनीतिक परिवेश हर भारतीय के अंतर्मन में इतना समाहित हो चुका है कि हम स्वप्रेरित भावों को ही भूल गए, तब प्रधानमंत्री की मीटिंग बुलाने का क्यों इंतजार करें? देश के ऊपर आ रही है तो क्या आलोक भारद्वाज का, श्याम सुंदर शर्मा का, दीपक गोस्वामी का, कर्नल अनुज माथुर का और सभी लोगों का दायित्व तो नहीं बनता कि हम स्वप्रेरित हैं? उनमें नेता भी शामिल है, वो नेता क्यों इंतजार करेंगे कि प्रधानमंत्री की मीटिंग बुलाए हमसे राय ले? नहीं, ये राजनीतिक बयानबाजी का जो थोता परिवेश होता है, इसलिए आपको पहल करनी पड़ेगी। देखिए श्याम जी, जो मैं आपको वही कह रहा था आपसे कि जो आक्रामकता आ गई है ना, कि ये जो परिचित शैली है ना, चिर परिचित कि बयानबाजी से आरोप प्रत्यारोप की, इसको कहीं तो रुकिए। स्वप्रेरित राजनीतिक भाव से परे जाकर भारतीयता को सब जगाए, तभी कुछ हो पाएगा। आज बौद्धिक लोग हैं, जैसा कि मेरे से प्रश्न पूछा अभी दीपक जी ने, सबको पता है, आते हैं, रैलियां निकालते हैं, अखबारों में छप जाते हैं, अपने नंबर बनाते हैं। भाई जब रहोगे तभी तो अस्तित्व रह पाएगा, तभी आगे का मजमा लगाओगे, जब अस्तित्व विहीन हो जाओगे तो कहाँ जाओगे? इस चीज को समझ के अगर काम करें तो सब चीजों का समाधान है, लेकिन कहने का साहस जुटाना हर किसी के बस का नहीं है। आलोक भारद्वाज तो कहने का साहस जुटा पाया हूँ, क्योंकि मैं अपने सारे दायित्वों से, अपनी मेहनत से विमुख होने के बाद देश के लिए समर्पण का भाव ला पाया हूँ। ये समर्पण का भाव जिस दिन जाग जाएगा, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, और नहीं तो इसी तरह चलती रहेंगी, वार्ताएं होती रहेंगी, आते रहेंगे, सेनाएं चलती रहेंगी, झगड़े बढ़ते रहेंगे, यही परंपरा रहेगी, डिबेट चलती जाएगी और समस्या वहीं की वहीं रह जाएगी। भाई अब तो जागिए, दानवी प्रवृत्तियों से ऊपर आइए, अपने अंदर जो हम कह रहे हैं ना, मानवता इंसानियत की बात जरूर कर लेते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन मानवता और इंसानियत तो विलुप्त होकर खुद ही लॉकडाउन होती गई, ऐसा लग रहा है कि दानवता हावी हो गई है, इंसानियत और मानवता जाने कहां चली गई है, उसको लाइए, उसको जगाइए, और उसके लिए अगर खुद का सब कुछ त्यागना पड़े तो त्याग कर आगे आइए। जिस देश के अंदर राजा हरिश्चंद्र, सम्राट अशोक वो क्या राजा नहीं थे, ऐसे उदाहरण नहीं हुए क्या? आप देखिए उस सम्राट हरिश्चंद्र का उदाहरण आज भी दिया जाता है ना, तो उस जैसे उस देश के हम निवासी हैं, उस परंपरा को लाए, केवल बयानबाजी करने से, भाषण वीर बनने से, संज्ञा से, अच्छा लिखने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप उन चीजों को नहीं जगाएंगे, स्थिति यहीं की यहीं रह जाएगी और इस तरह के दुश्मन हावी होते चले जाएंगे। एक दिन फिर हम सब पछताएंगे, उस दिन आपको ये सब मेरे कहे हुए शब्द अवश्य याद आएंगे। बिल्कुल, इस तरह की चर्चा करने से और बड़े बड़े लेख लिखने से कोई फायदा नहीं है, उन सबको हमको आत्मसात भी करना पड़ेगा। एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है मात्र साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि लगातार हम इकोनॉमी की बात करते हैं और लगातार चाइना का जो अरबों रुपए का जो सामान है वो हमारे देश में आता है, इसको भी, इसका भी लोग बायकॉट करने के लिए तैयार हैं। मैं आज भी देख रहा था कल दीपक जी, एक लाइन हो दीपक जी, मेरे को आपने गलत समझा दीपक जी, मैं परिचर्चा का विरोध नहीं, देखिए जिम्मेदार नागरिक के नीचे, नहीं जिम्मेदार नागरिक के नाते अगर आप आवाज उठाएंगे तो मैं तो उन नीति निर्धारकों की, उन नेताओं की, उनके शासकों की बात कर रहा हूं, वो जागे। तो इस बात के लिए दीपक जी को बधाई दो कि उन्होंने सबसे पहले मुद्दा ला करके आपने भावनाओं को प्रकट किया। श्याम जी
मैं तो शाम जी दीपक जी का क्या पूरी सिटी लाइव टीम का आभार व्यक्त करता हूं। आप देखिए माथुर साहब ने जो कुछ बातें इस देश के सामने लाके खड़ी की ये क्योंकि चिंता का विषय ये है। जाते हैं आप तो शाम जी आप तो बड़े लोगों से टच में रहते हैं, नीति निर्देशक से उन तक भी पहुंचाइए, इसकी चर्चा का जो रिजल्ट निकल गया है उसे पहुंचाइए। आलोक जी मेरा यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि सिर्फ परिचर्चा करने से या बड़े बड़े आलेख लिखने से नहीं है, इन सब देशभक्ति की बातों को जो भी हमारी चर्चा का निष्कर्ष निकलता है उसको हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी उतारने की जरूरत होती है, तब जाकर हम एक समृद्ध देश बना पाएंगे। यहाँ पर माथुर साहब मेरा आपसे सवाल ये था इकोनॉमी को लेके कि जिस तरह हम लगातार जो करोड़ों रुपए का सामान जो हम चाइना से खरीदते हैं और उन्हीं रुपयों से वो अपने बारूद और अपनी मशीनें जो है वो खरीदते हैं हमसे युद्ध करने के लिए, तो क्या इसका बायकॉट होना चाहिए? और अगर होना चाहिए तो लगातार लोग तो सड़कों पर उतर गए हैं, लेकिन सरकार की भी कोई इसमें नीति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि सरकार अगर इसको बैन कर दे तो लगातार करोड़ों अरबों रुपए जो उनके पास जा रहा है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। आपका क्या मानना है? मेरा ये मानना है, देखिए जो चीन का मेन कारण क्या है जी, खास वजह क्या है कि हमारे साथ इस प्रकार की हरकत कर रहा है, वो इसीलिए उसकी वजह यह है कि वो जो उनके घर में फाइनेंशियल क्राइसिस है, उन्होंने अपनी करेंसी को आर्टिफिशियल तरीकों से अफ्लोट करके रखा हुआ है, वरना वहां पर एक फाइनेंशियल क्राइसिस की जैसी स्थिति पैदा हो गई है, तो उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ये सारी हरकतें शुरू करी हैं। अभी मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि हमको नीति बनाने से कोई ज्यादा अंतर, इसलिए आप हर तरह की नीतियां अवेलेबल है, चाइनीज सामान का बहिष्कार हमको करना पड़ेगा, जनता को करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के जब डिमांड ही नहीं होगी तो सामान आएगा कहां से, तो हमें डिमांड को समाप्त करना पड़ेगा। दूसरी बात जो आपने पूछी, मैं इससे इसके पूरे पक्ष में हूं। माथुर साहब एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आदरणीय माथुर साहब मेरा एक प्रश्न है। आलोक जी माथुर साहब की बात पूरी हो जाए फिर आप सवाल पूछना माथुर साहब। जो सरकार को इसके ऊपर एक ठोस और कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा और इसको हमें उस लेवल से समाप्त करना पड़ेगा चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को, लेकिन ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और तमाम चीजें, क्या इसके रेपरकशंस हो सकते हैं, ये सब चीजें असल में इतना आसान नहीं होता है इस तरह की बातें ऑफिशियली और इस पर को करने के लिए। लेकिन मैं आपसे सहमत हूं, मेरा पर्सनल जो विचार है वो ये है कि सरकार को और समाज को दोनों को चाइना के से अपने व्यापारिक चाइना के सामान का बॉयकॉट करना चाहिए। जी आलोक जी आप कुछ पूछ रहे थे। माननीय मैं माथुर साहब से पूछ रहा था, माथुर साहब मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूं और मैं आपसे दीपक जी से श्याम जी से हालांकि मुझे पता है, मैं सभी से पूरे दर्शकों से पूछाऊंगा, क्या आप चाय पीते हैं दीपक जी? मुझे पता है आप चाय पीते हैं, लेकिन दीपक जी आप देखिए आज हम जो बात कर रहे हैं ना, उस हमारे हम चाय पीते हैं हमसे नहीं, चाय की परंपरा आज से नहीं है, पैदा हुए होंगे हमारे पुरखों से भी, हम चाय को घर में देखते आ रहे हैं, हमारे यहाँ पे कोई आता है अतिथि तो हम चाय से ही स्वागत करते हैं उसका, लेकिन आप देखिए कि उस कुमार का चाक तो ध्वस्त होता जा रहा है और उस कप को बनाने का यंत्र छोटे छोटे घरों में चाइना रूपी यंत्र ही आ रहा है, प्लास्टिक का कप बना रहा है। इन सब चीजों को जब तक हम हमारे दिमाग से नहीं हटा पाएंगे ना, तब तक हम बातें ही करते रह जाएंगे। जो कह रहे बायकॉट, बायकॉट आप से ही शुरू करें, आपकी जेब को सब करें, एक नहीं एक छोटे व्यक्ति से नहीं, उस बायकॉट का जो प्रतिकार है सरकारें करें और हो सकता है उससे हमें कुछ कष्ट उठाने पड़े, उठाएंगे देश के लिए। जब सैनिक देश के लिए जब सैनिक माथुर साहब जब आप तो खुद सैनिक रहे हैं, जब देश के लिए सैनिक तरफ जंगली कंदमूल फल खाकर कंदमूल घास खाकर अगर गुजारा कर सकता है तो क्या हम कष्ट नहीं उठा सकते? अगर हमारे पास कुछ वो चीजें वर्जित होने से, हम चीन को वर्जित करने से अगर हमारी अर्थव्यवस्था दबेगी दब जाए, वैश्विक रूप से अगर दब जाए, लेकिन देश के लिए कुछ तो हम कर पाए। बिल्कुल मेरा श्याम जी से मेरा यही सवाल है श्याम जी आपसे कि क्या केंद्र सरकार चाइनीज माल को बैन नहीं कर सकती? अगर बैन कर देगी सामान भारत में आएगा ही नहीं तो लोग खरीदेंगे। आप बिल्कुल बहुत सही कहा दीपक जी। देखिए दीपक जी आप कोरोना के माध्यम से जो आपने घटनाक्रम देखा कि हम पीपीवी किट कहाँ से मंगाते थे पहले, चाइना से, हमारे देश में उत्पादन शुरू हुआ ना, आज हम 4 लाख किट बना रहे पीपी किट। बिल्कुल के बाद देखिए कि वेंटिलेटर की बात आई तो हमारे 48,000 वेंटिलेटर हमारे देश में बन रहा है, पहले हम चाइना से मंगाने की बात करें तो 5 लाख करोड़ रुपए का व्यवसाय चीन से होता था। जयपुर की बात कर लीजिए, जयपुर में आप देखा कि सांगानेरी प्रिंट की बात होती थी, सांगानेरी कपड़ा जितना आता था
वो चीन से आ रहा था कच्चा माल और यहाँ पर हम उसको थोड़ा सा करके पैकिंग करके भेज रहे थे, तो हमको निश्चित रूप से चीन, क्योंकि यही चीन की दुविधा क्या है, चीन आज ये स्थिति में क्यों है? देखिए अफ्रीका देशों में जहाँ खरीज अधिक मात्रा में निकलता है सारी चाइनीज कंपनी है वहां पर, और सारा उत्पादन करके उनको कर्जा देने का पहला काम को चीन इसलिए करता है कि उसकी इकोनॉमी को अपने कब्जे में करता है और फिर वहां अपने लोगों को स्थापित कर देता है। मैं अफ्रीका वाली कंट्रीज में देख रहा था कि 80,000 लोग वहां चीन के रहते हैं, सारे खानदान सारी चीजें उन्होंने ले ली है, अब उनको केवल ये देते हैं कि वो निकाल रहे हैं माल और अपने यहाँ ला करके उत्पादित करके उसको बेच रहे हैं। तो ये राजस्थान या भारत में जिस प्रकार से चाइनीज माल आ रहा है, राखी बनाते हैं हम भारत वाले, कहाँ की राखी पसंद करते हैं? चाइना की। ये कहाँ से होली बनाते हैं, गुलाल कहाँ से आता है? चीन से आता है। ये सारी परिस्थितियां, लाइट कहाँ से आती है? दीपावली हम बनाते हैं चाइनीज की। तो हमको अपने सोच को बदलना पड़ेगा। ये दीपक श्याम जी, अभी मैं यही कहना चाह रहा हूँ, व्हाट्सएप पे एक मैसेज भी चल रहा था कि चाइना बायकॉट की टी शर्ट 3 करोड़ चाइना ने बनी और वो भारत में बिक रही है। ये भी एक सोचने वाली बात। तो ये बड़ा, देखिए राजनीतिक जीवन अलग है, सामाजिक जीवन अलग है। प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री का पद बहुत बड़ा होता है क्योंकि उनको वास्तविक स्थिति की जानकारी होती है, इसलिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने का मतलब होता है कि हम देश को साथ ले रहे हैं। ये नहीं कि हम प्रधानमंत्री इसमें छोटे हो जाएंगे, प्रधानमंत्री को चल करके बताना पड़ेगा कि परिस्थिति ऐसी हो गई है देश की और हमको क्या निर्णय लेना है, क्योंकि बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना पड़ेगा। आज हम युद्ध करेंगे, आप बहुत जल्दबाजी में निर्णय नहीं कर सकते। चीन को ऐसा नहीं है कि आप देखिए, हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से हमारी स्थिति मजबूत हो, युद्ध करना आसान नहीं है। युद्ध शुरू करने के बाद अंत क्या होगा, ये बहुत बड़ी सोच। बातचीत के जरिए अगर निकलता है, फैसला होता है, तो कह रहे हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत पहले भी हुई थी, लेकिन हम बातचीत को धरातल पे उतार नहीं पा रहे, ये संकट का विषय है। अब देखिए राजनीतिक तौर पर हमने चीन को करा ना, अब आप देखिए भारत को अगर G7 में बुलाया देखिए अमेरिका ने, तो चीन को अलग थलग कर दिया। अब हम आप देखिए क्या विश्व संगठन में हम आ गए, उसका प्रभारी हमारे इसका युद्ध ही जो है वो नहीं है, बदलाव की स्थिति अलग तरह की जो राजनीति है, जो कूटनीति है, कई तरह की, इसमें हमको डिसीजन लेने के, क्योंकि देखिए समय का भी अभाव है। और चलते चलते मैं सभी से आपसे फाइनल कमेंट्स लेना चाहूंगा। सबसे पहले डॉक्टर आलोक जी, आप अपना फाइनल कमेंट दें, उसके बाद श्याम जी, और लास्ट में मैं रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर साहब के पास। आलोक जी आप अपना फाइनल व्यू दें। दीपक जी मैं तो फाइनल यही है, मेरा तो शुरू से एक ही मंतव्य रहा है कि सबसे पहले जो है भारतीयता का भाव जगाइए, यही एक फाइनल कमेंट है कि हर व्यक्ति अपने निजी स्वार्थों से ऊपर हो जाए, चाहे वो नेता हो, चाहे निर्देशक हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे आम नागरिक हो, अपने निजी स्वार्थों से ऊपर आइए, भारतीयता का भाव जगाइए। नहीं तो फिर वही होगा कि आपने चाहे ही नहीं, वरना अंदाज बदल सकते थे, आपके आंसू सबकी आंखों से निकल सकते थे, ठहरे रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो कहीं दूर निकल सकते, तो दरिया बन जाइए और पूरे विश्व में भारत की पहचान वही लाइए जो भारत आज भी जाना जाता है और पहचाना जाता है। उसके लिए क्या होगा, सब निजी हितों को त्यागिए, धर्म जाति राजनीति से ऊपर आइए, भारतीयता का इंडियनशिप का, इंसानियत का भाव जगाइए, सबका यही एक समाधान है, केवल भारतीयता लाइए। भारतीयता लाएंगे तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल, भारतीयता लाएंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में और आज ही हम सफलता के शिखर पर बैठे होंगे। श्याम जी आपका फाइनल रिएक्शन क्या है? देखिए दीपक जी, मैं तो सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूँ कि आपने ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा रखी और आपकी चर्चा निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंचेगी, मैं मान के चलता हूं। हमने क्योंकि हम तो देखते हैं वही परखते हैं बताते हैं, क्योंकि देखिएगा विश्व के सामने जो परिस्थिति खड़ी है, भारत इस कोरोना की स्थिति से निपट करके जो सामने आ रहा है और हमारी स्थिति क्या होगी तो परमात्मा जानता है, लेकिन हम फिर भी विश्व में अपनी इकोनॉमी को किस प्रकार से बढ़ाएंगे। और यही चाइना नहीं चाहता है कि भारत विश्व की अच्छी कंपनी को अपने यहाँ स्थापित करके अपना जो कुटीर उद्योग, जो हमारा कुटीर उद्योग पनपे, यही तो चाहते हैं। इसलिए आपकी निश्चित रूप से जो आज चर्चा आपने रखी है सार्थक होगी और देश के लिए हित की बात, क्योंकि माथुर साहब ने बहुत सारी चीज कही है, बाकी चीज आपने भी कही है, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ भाव ऐसा प्रकट हुआ है ये देश के हित में है। और मैं फिर कहता हूँ कि आप हमेशा ही, पहले बिजली वाले मुद्दे पे आप लाए थे, पानी वाले बिजली पे आप लाए थे, क्योंकि ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर आप लाते हैं तो निश्चित रूप से देश हित की बात है और उस पर सार्थक चर्चा हुई है, इसलिए आप बधाई की बात है।
धन्यवाद माथुर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका फाइनल कमेंट क्या है। मेरा ये लास्ट में यही कहना है कि दो चीजें हमें समझ लेनी चाहिए जी। चीन की ताकत इतनी नहीं है कि वो हमें मिलिटरीली कुछ दबा सके। हमें अपने पॉलिटिको डिप्लोमेटिक चैनल्स खुले रखते हुए बातचीत कर रही, अभी मेरे ख्याल से फॉरेन मिनिस्टर्स की बातचीत शुरू हो रही है जी। वो करके और हमको इनको जहां 5 मई पर थे अगर उस स्थान तक हम इनको वापस भेज देंगे तो वो चीन के लिए काफी बड़ी हार होगी और मुझे पूरा यकीन है कि हम वो निश्चित रूप से कर पाएंगे। आखिर में मैं एक ही लाइन दोबारा बोलूंगा, नेशन फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट जी। आप देश को सर्वोपरि रखिए, अपने चरित्र को संभाल के रखिए, कोई संदेह नहीं है भारत एक बहुत बड़ी प्रबल शक्ति है और पूरा विश्व इस बात को मानता है, इसमें कोई संदेह ना हो, और चीन भी इस बात को जानता है, अच्छे से समझता है। नेपाल से कोई खतरा है नहीं, नेपाल को सिर्फ बरगलाया जा रहा है और उसके वजह से वो कुछ एक अपने एक्शंस ले रहे हैं और उनको हमें हमारे को उसका कोई ना कोई तरीका हम निकाल लेंगे और उनको अपना सब सही हो जाएगा। देयर इज नो इशू विद नेपाल। तो यही कह रहा हूं कि सहमत हूं जी, निश्चित तौर पर भारत जो है अब वो भारत नहीं है जो पहले था, भारत बदल गया है और पूरी दुनिया को बदलने की ताकत भी भारत रखता है। मेजर जनरल अनुज माथुर साहब, डॉक्टर आलोक भारद्वाज जी और श्याम सुंदर शर्मा जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, जुड़े, आपने समय निकाला, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शकों को हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, उनकी और क्या सलाह है, वो हमें अपने फेसबुक के, ट्विटर के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से दे सकते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। दीपक जी आपका और दीपक जी आपका और आपकी टीम का भी शुक्रिया। जय हिंद ही काम आएगा, बाकी सब व्यर्थ रह जाएगा। जय हिंद। थैंक यू, धन्यवाद। City Live, a platform to sharing your thoughts.